बिहार में पांचवें और आखिरी दौर के मतदान के लिए इस वक्त चल रही वोटिंग। 9 जिलों की 57 सीटों पर हो रहा है मतदान। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी मतदाताओं की कतार। आखिरी दौर को लेकर वोटरों में जबरदस्त उत्साह। 11 बजे तक 14% हुआ मतदान। मधेपुरा में 100 साल की बुजुर्ग पहुंची वोट देने। बेटे की गोद में चढ़कर शामिल हुई लोकतंत्र के महापर्व में। बिहार के अररिया में मतदान का अलग रंग। दोहरी नागरिकता को लेकर नेपाल से आकर भारत में वोट दे रहे हैं लोग। बड़ी तादाद में आई हैं महिलाएं। कटिहार के पोलिंग बूथ पर भी सुबह से चहल पहल। दिन चढ़ने के साथ साथ कतार हो रही है लंबी। सुपौल में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने किया मतदान। 2/3 बहुमत से जीत का किया दावा। मधेपुरा में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने वोट डाला। कहा, बिहार चुनाव में हार के बाद अमित शाह की छिन जाएगी कुर्सी। मधेपुरा में आरएसएस के नाम से फर्जी वोट देने की अपील। आरएसएस ने बताया विरोधियों की साजिश। किशनगंज में दुर्गा मंदिर परिसर में बना मतदान केंद्र। एक साथ कतार में खड़े नजर आए हिंदू मुस्लिम मतदाता। सुरक्षा में तैनात सिख जवान। दरभंगा के आदर्श मतदान केंद्र में गुब्बारों के साथ सजा धजा टेंट, लेकिन मतदान केंद्र पर भीड़ थोड़ी कम। अंतिम दौर में कई दिग्गजों की किस्मत का फासला। अब्दुल बारी सिद्दीकी, विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश मिश्रा मैदान में। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फासला। वोटिंग के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पांचवें चरण में 58 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 827 उम्मीदवार मैदान में। 14,709 पोलिंग बूथों पर वोट। मधुबनी और दरभंगा की 10-10 सीटों पर वोटिंग, जबकि सुपौल की 5, अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। किशनगंज की 4, पूर्णिया की 7 सीटों के लिए वोटिंग जारी। मधेपुरा सहरसा की 4-4 सीटों के साथ कटिहार की 7 सीटों के लिए भी वोट। राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। जारी किया इम्प्रिंट इंडिया तकनीक और नए आविष्कार पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोने से जुड़ी 3 योजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं। 5 और 10 ग्राम के ये सिक्के होंगे 24 कैरेट के। प्रधानमंत्री का आज हरियाणा के सोनीपत में भी कार्यक्रम है। 3 एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। विकास रैली को करेंगे संबोधित। यूपी के पंचायत चुनावों में मिली सफलता के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक। 2017 के विधानसभा चुनावों पर करेंगी चर्चा। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन पर चेन्नई के कार्यक्रम में फेंकी गई चप्पल। तमिल समर्थक कार्यकर्ताओं पर चप्पल फेंकने का आरोप। फरीदकोट हाल में हुई हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों से मिले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर है राहुल। दिल्ली से पंजाब मेल से सुबह सुबह सफर पर निकले थे राहुल। कोटकपुरा स्टेशन पर उतरकर पीड़ितों से मिले। 6 तारीख को पंजाब के बठिंडा में किसानों से मिलेंगे राहुल। किसानों की समस्याओं पर करेंगे बातचीत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का केस दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर। सीबीआई चाहती है हिरासत। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले तक अंतरिम जमानत बरकरार। दिल्ली में नगर निगम की सफाई कर्मियों के बाद अब दूसरे कर्मचारी भी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। सैलरी और बोनस की मांग।
असहिष्णुता पर शाहरुख के बयान को लेकर बीएचपी और बीजेपी नेताओं का हमला जारी। साध्वी प्राची ने कहा, हाफिज से जुड़े हैं शाहरुख के तार। भोपाल में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बिना नाम लिए साधा निशाना। देश का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अभिनेता अनिल कपूर ने कहा, शाहरुख के दिल में नहीं हो सकती ऐसी भावना, लेकिन अवार्ड लौटाने के फैसले का किया विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शाहरुख पर बोला हमला, कहा शरीर तो यहां है लेकिन मन कहीं और रमा है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, 26 अक्टूबर को शाहरुख को ईडी का नोटिस मिला, 1-2 नवंबर को असहिष्णुता पर बयान आ गया। दुनिया की ताकतवर हस्तियों में प्रधानमंत्री मोदी 9वें नंबर पर, फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की सूची। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले नंबर पर, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तीसरे नंबर पर। पिछले साल ताकतवर हस्तियों की सूची में 15वें नंबर पर थे मोदी। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार मोदी ने ओबामा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अपना स्थान ऊंचा किया। श्रीनगर में सुरक्षा की बढ़ाई गई चौकसी, 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी नेता तैयारियों में जुटे। श्रीनगर के सबसे बड़े शेर कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, जनसभा को करेंगे संबोधित। अलगाववादियों के विरोध को देखते हुए 200 लोग लिए गए हिरासत में। मुरादाबाद में चित्रकार नरेंद्र सिंह ने सरकार की नीतियों के विरोध में लौटाया राष्ट्रीय पुरस्कार, ललित कला अकादमी से मिला था ये सम्मान। गुटखे का विज्ञापन करने वाले फिल्मी हस्तियों के खिलाफ एफडी करेगा कार्रवाई, शाहरुख खान, अजय देवगन, मनोज वाजपेयी, गोविंदा की बढ़ सकती है मुश्किलें। छोटा राजन का आज भी इंडोनेशिया से नहीं हो पाएगा भारत आना, बाली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही है बंद। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर छात्रों का हंगामा, एक गार्ड के साथ छात्र की बहस के बाद बढ़ा मामला। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक बछड़े की कथित चोरी के आरोप में स्कूल के हेडमास्टर की पीट पीट कर हत्या। मोहाली में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज, टीम इंडिया को शुरुआती 3 झटके। आज विराट कोहली का जन्मदिन, टेस्ट के जरिए विराट के पास T20 वनडे सीरीज में हार का बदला लेने का अच्छा मौका। 5 गेंदबाज के साथ उतरी टीम इंडिया, रोहित, ईशांत को नहीं किया गया शामिल, पुजारा को मिला मौका। मोहाली के पिच पर सुनील गावस्कर की टिप्पणी, पहले नहीं देखी कभी इतनी सूखी हुई पिच। मैच से पहले कप्तान ने भरा दम, कहा टेस्ट क्रिकेट में टीम को बनाना है नंबर 1, हर चुनौती के लिए टीम इंडिया तैयार। टेक्सास में घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुआ तूफान का वीडियो, तूफान के आगे टिक नहीं पाई बड़ी बड़ी टेबल्स और सोफे। अमेरिका के मेक्सिको में फिर सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी, दूर तक फैला राख और धुएं का गुबार। नासा ने जारी की सूरज की शानदार तस्वीरें, सोलर ऑब्जर्वेटरी से खींची गई सूरज की हाई डेफिनेशन तस्वीरें। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में धूल भरी आंधी ने जनजीवन किया प्रभावित, हवाई सेवाओं पर हुआ असर। मिस्र के सनाई में क्रैश हुए रूसी विमान को लेकर ब्रिटेन का खुलासा, एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए विमान गिराने का शक।